हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? ओके, सो आगे हम बढ़ते हैं। तो वेलोसिटी इन एसएसएम अब हमें पता करना है। जैसे कि हमने लास्ट टर्न पे जो हमारे पास इक्वेशन था उसको हम फाइंड आउट कर लिए थे। लेट एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट, दिस इज द इक्वेशन फॉर द लीनियर एसएसएम। ओके, तो अब इसके थ्रू हम लोग वेलोसिटी पता करेंगे। तो वेलोसिटी पता करने के लिए अगर हमें सबसे पहले जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट, इफ वी विल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू t वन टाइम, देन वी विल गेट व्हाट v, बिकॉज डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू वी। ओके, सो हियर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पर मिल जाएगा डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट। तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट, और ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट का जो डिफरेंशिएशन होगा दैट विल बी ओमेगा ए, फाइव नॉट तो कांस्टेंट है। ओके, तो वी का वैल्यू मिलेगा ओमेगा ए रूट में वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, क्योंकि हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट व्हाट कॉस थीटा इक्वल्स टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट। ओके, सो हमने इस फॉर्मेट में चेंज कर दिया, क्यों? क्योंकि हमें x का जो फॉर्मेट था उसको बनाना था, तो हमें x का वैल्यू पता होगा ना, हो सकता है ओमेगा टी वैल्यू पता ना हो, ओमेगा टी वैल्यू अगर पता है तो इसको यूज कर लो जो हमारे पास इक्वेशन मिला है। ओके, तो v का वैल्यू x फॉर्मेट में आ जाएगा जब हम यहाँ पर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट का वैल्यू पुट कर देंगे, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, तो ए हम अंदर लेके जाएंगे तो हमें मिल जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर ओमेगा ए और ओमेगा का वैल्यू मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हमारे पास मिलता है वी का ओमेगा रूट में वो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो वी मैक्सिमम कब होगा? वी मैक्सिमम तब होगा जब एक्स जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर में कुछ सब्सट्रैक्ट हो रहा है। अगर ये फैक्टर जीरो हो जाए, ओके दिस वन, अगर एक्स जीरो हो जाए तो यहाँ पर ये मैक्सिमम होगा, तो हम एक्स को यहाँ पर जीरो कर देंगे और हमें मिल जाएगा वी इक्वल्स टू वी मैक्स इक्वल्स टू ओमेगा ए। ओके, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगी? जहाँ एक्स जीरो होगा, समझे? अगर थोड़ा सा हम इसको और रीअरेंज करें, मतलब कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करके डिवीजन कर दो, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा वी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू वन। कैसे मिलेगा देख लेते हैं। जैसे ये हमारे पास इक्वेशन है, ओके, इसमें क्या करना है कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलो वी स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पर डायरेक्टली क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, क्या करोगे, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब दोनों तरफ बोथ साइड वी हैव टू डिवाइड व्हाट, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा और मिल जाएगा क्या, वन। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर लिख सकते हैं वी स्क्वायर, ओके दिस वन, ओके वी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ओके वन हो जाएगा, तो ऑब्वियस बात है इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा, दोनों तरफ हमें क्या करना है, ऐड करना है, तो मिल जाएगा हमें ये कैंसिल आउट होकर के एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू वन। ओके, सो वी गॉट दिस इक्वेशन, इक्वेशन किसका है बताओ, इलिप्स। ओके, सो वी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, अगर इसको कंपेयर करें हम एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, देन वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट ए स्क्वायर, वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर विल बी व्हाट, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हमें ए मिल जाएगा प्लस माइनस ओमेगा ए, और बी मिल जाएगा यहाँ से क्या, प्लस माइनस ए। ओके, तो यहाँ देख सकते हो ग्राफ दिया गया है, ठीक है, अगर इसके वेरिएशन को हम देखें, वेरिएशन ऑफ वी विथ एक्स, ओके वी कैसे वेरी कर रहा है एक्स के अकॉर्डिंग, तो इस इक्वेशन से हम डिफाइन कर सकते हैं क्या कि जो ए है यहाँ पर क्या होता है पॉइंट जीरो कामा बी, यहाँ पर जीरो कामा माइनस बी, और यहाँ पर क्या होगा ए कामा जीरो, तो ए कामा जीरो जो है हमारे पास वो कितना मिला, ए का वैल्यू अभी ए मिला था ना, कैपिटल ए, सो ए एम्पलीट्यूड हो गया, और यहाँ पर जो v में मिला था हमारे पास ओमेगा ए, ठीक है, तो जीरो कामा बी हो जाएगा। ओके, अब इसका अगर हम ग्राफ बनाए कि हमारे पास जो v मिला था v इक्वल्स टू क्या, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट,
तो कॉस का जो हमारे पास वेव होगा कुछ ऐसा बनेगा। ओके, तो यहाँ पर टी टी बाई फोर रहेगा, टी बाई टू रहेगा और टी थ्री टी बाई फोर रहेगा। टी बाई टू पर मिनिमम होगा, ठीक है। इसी तरह आगे बढ़ेंगे हम टी पर मैक्सिमम। ओके, एम्पलीट्यूड, तो इस इक्वेशन थ्रू हमने जब ग्राफ ड्रॉ किया, प्लॉट किया, ओके, देन वी विल गेट दिस वन। ओके, वेरिएशन ऑफ वी विद टी, टी अकॉर्डिंग ऐसे वेरिएशन होगा। ओके,